चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अभी सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए जो कि कोरोना के चलते चलते अनाथ हो गए हैं उनके लिए एक स्कीम की घोषणा की थी कि हम ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा या फिर उनके पेरेंट्स गार्जियन या फिर जिन्होंने उनको गोद लिया है, ठीक है, और यदि उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे बच्चों को हम 10 लाख रुपये का एक फ़ंड बनाएंगे। और ये जो फंड है ये फ़ंड कहाँ से आएगा? ये फ़ंड आएगा जो पीएम केयर फंड बनाया था पिछले साल सरकार ने, वही वाला पैसा ये यहाँ पर यूज़ करने वाले, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपया समझ लीजिए उन अनाथ बच्चों के लिए है, एक बच्चे के लिए 10 लाख रुपया, ठीक है। जब ये 18 साल का हो जाएगा बच्चा तो इसको मंथली स्टाइपेंड देना चालू हो जाएगा इसी 10 लाख रुपये से, ठीक है। जैसे ही ये 23 साल का होता है इसके बाद इसको जितना भी इसका पैसा बच जाएगा 10 लाख रुपये का, वो पूरा पैसा बच्चे को दे दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रावधान थे इसमें, जैसे कि यदि इनकी शिक्षा को लेकर के देखें तो इनको सैनिक स्कूल में भर्ती करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, यदि ये प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में यदि एडमिशन लेंगे तो उनकी पूरी फीस जो है इसी फंड से प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ प्रावधान हैं इनके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। इनको अभी जो आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है ना उसमें इनको शामिल किया जाएगा, और इसका जो प्रीमियम है, अब कोई भी बीमा करवा रहे हैं हम तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तभी तो कंपनी फिर बाद में हमको रिटर्न देती है, ठीक है, कुछ कुछ खास कंडीशन जो रहती हैं उसमें उस हिसाब से। तो इसका जो प्रीमियम है इसी 10 लाख रुपया से सरकार भरेगी आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। तो आज की जो न्यूज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स मांगा, ठीक है, कि आप डिटेल्स दीजिए आपने जो अनाथ बच्चों की जो स्कीम को चालू किया है उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना, देखिए अभी आपने जो स्कीम की घोषणा किए थे ना, तो वो घोषणा आप पब्लिक क्यों नहीं करें, पब्लिक के डोमेन में क्यों नहीं रखे हैं? तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट को कि इसके लिए पार्टिकुलर हल निकालने की ज़रूरत है, वर्कड आउट करने की ज़रूरत है, ऐसा सरकार का कहना है कि और हम बताएंगे इसका मैकेनिज्म, इसकी मॉडालिटी। तो ये आंसर उन्होंने कब दिया है, जबकि ठीक है कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि ये जो स्कीम आप कह रहे हो ये अभी तक पब्लिक के डोमेन में क्यों नहीं रखे हो आपको। CBSE, CISCE, ठीक है, ये जो बोर्ड हैं इन्होंने क्लास 12 के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, ठीक है। पीएम मोदी ने इसका रिव्यू किया। देखिए, जब कुछ दिन पहले हमने देखे थे ना कि एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई थी, डेट भी फिक्स कर दी गई थी और एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे ये भी बता दिए थे, लेकिन इसमें सही बात तो ये है कि बच्चे तैयार नहीं थे, ना ही उनके पेरेंट्स तैयार थे, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम हो। अब कम से कम इस साल तो उनको असेसमेंट बेस से पास कर देना चाहिए था, एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और सबको अपने बच्चों की चिंता रहती है, जब तक घर में है तब तक क्या कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर जाने के बाद उनको कितना संभालेंगे, तो यही सब चिंताएं थी। तो पहले तो सरकार ने कही कि एग्ज़ाम होंगे और अब सरकार मना कर रही है कि नहीं, एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो सरकार भी कोई स्थिर डिसीजन नहीं ले पाती है, चाहे वो खाद के दाम बढ़ाने को लेकर हों, चाहे स्मॉल सेविंग की जो कुछ समय हमने योजना सुने थे, निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले तो घोषणा कर दी कि छोटी छोटी सेविंग जो रहती हैं जैसे PF या फिर और भी अदर जो स्कीम है जहां पर आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, उन पर ब्याज में कटौती की घोषणा कर दी थी। लेकिन जब पता चला कि अभी सामने चुनाव है तो सरकार को फिर अपने घोषणाओं को वापस लेना पड़ा था। अब देखिए,
एग्ज़ाम रद्द हो गए हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन बात आ जाती है अब रिजल्ट के ऊपर। अब क्योंकि हमारे यहाँ देखते ही हैं कि परसेंटेज के आधार पर हम किसी को भी वैल्यूएट करते हैं। परसेंट के आधार पर आपको आईटीआई में एडमिशन मिलता है, परसेंट के आधार पर आपको ट्वेल्थ में सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो परसेंट सिस्टम चल रहा है ना, उसके चलते बच्चे केवल अपने एग्ज़ाम की ही तैयारी कर पाते हैं। वो क्या है, अपने मन का ना विस्तार नहीं कर पाते, अपने मन को वो ज़्यादा फैला नहीं पाते, बस एक लिमिटेड एरिया में ही सिकुड़ जाते हैं। और बस उन्हें लिमिटेड किताबें पढ़ना है और उन्हीं को पढ़ करके एग्ज़ाम देना है और उसी में हाईएस्ट परसेंट लाना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ परसेंटेज वाला। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट किस टाइप से मिलने वाला है बच्चों को। तो बोर्ड का कहना है कि देखिए, ये रिजल्ट देंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है, और ये निर्धारित टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब ये किस प्रकार से डिफाइन करेंगे ये आगे ही पता चलेगा। अब देखिए, ये दो बोर्ड के बारे में तो हम जान लिए हैं, लेकिन जेईई और नीट, ये जो प्रोफेशनल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था इस रिव्यू वाली मीटिंग में। अब असेसमेंट की मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। अब सीबीएसई हो सकता है अनाउंस कर दे इसकी जो अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड है उसमें, ठीक है। अब ये वाली स्कीम इनकी क्या कहती है देख लो। स्टूडेंट का कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं, उसके जो इंटरनल असेसमेंट है, एक ये चीज़, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नंबर, ठीक है, ये दो चीज़ शामिल हो गई कक्षा 12वीं की, ठीक है। इनका एक अनुपात, सही अनुपात तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा, ठीक है, अभी लास्ट जो 3 साल, जैसे पिछले 3 साल उसने जो जो बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे ना, उनके परसेंटेज या फिर मार्क्स को भी देखा जाएगा। इस हिसाब से उनको मार्क्स या फिर परसेंटेज प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, जो बेस रहेगा ग्रेड बेस पर आधारित रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट का जो फाइनल एग्ज़ाम स्कोर रहा हो कक्षा, ठीक है, ये 3 कक्षाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, 9, 10 और 11, इनके हिसाब से भी उनको नंबर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, आईएमडी, जिसको हम कहते हैं इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने मानसून के आने की क्या इंटेंसिटी रहेगी, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, बारिश कैसी होगी, इसका भी अनुमान प्रस्तुत किया है। तो आज हम जियोग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस करेंगे, आप समझ लीजिए उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना होगा मानसून क्या होता है। मानसून मेनली अरबी भाषा का वर्ड है, अरबी में मौसम है, उसी से मानसून को लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार हवा का चलना। गर्मी के टाइम में फिक्स है कि हवा इस दिशा से इस दिशा में चलेंगी, और ठंडी के दिनों में ये भी फिक्स हो जाएगा कि किधर से किधर चलेंगी, स्थल से जल की ओर या जल से स्थल की ओर। तो ऐसी हवाओं को ही हम कहते हैं मानसून। मानसून मतलब हवाएं जो कि ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। तो मानसून वस्तुतः हमारे धरातल पर चलने वाली हवाएं हैं जो गर्मी और ठंडी की ऋतुओं में अपनी प्रवाह की दिशा को बदल देती हैं। अब सबसे पहले जब मानसून वर्ड यूज़ किया जाता था, तो अरब सागर पर जो हवाएं चलती थी ना, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पर हवाएं 6 महीना उत्तर पूर्व दिशा से और 6 महीना दक्षिण पश्चिम दिशा से चला करती थी। इसी के आधार पर वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में, ठीक है, हवाओं को जिनकी दिशा में ऋतु के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, सब जगह उनको मानसून कहा जाने लगा। अब ऐसा हिस्सा जहाँ मानसून हवाएं ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, उनको कहेंगे मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, और भारत भी इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ की जलवायु मानसूनी है। अब मानसूनी पवनें क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तो
तो इसका एक ही रीज़न बताया जाता है कि टेम्परेचर में अंतर होने के कारण। अब एक मैप देख लेते हैं हम, मैप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ग्रीष्म ऋतु का पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब गर्मी को दिनों में क्या होता है, ये है पठारी एरिया, ठीक है, ये है हमारा धरातल आप समझ लीजिए, ठीक है। गर्मी को दिनों में जब ये गर्म होता है तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है, हवा गर्म होती है और ऊपर उठने लग जाती है, ठीक है। अब इस जगह को भरने के लिए जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ये पानी वाला एरिया है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर से ये हवाएं जाती हैं और इस एरिया को भरने के लिए गति करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म काल में मानसून इस प्रकार से गति करता है, या फिर इस प्रकार से उस टाइम में हवाएं चलती हैं। और ये पीरियड बता दिया गया है 1 मई से 31 अक्टूबर का। अब दूसरी जो ऋतु है शीतकालीन ऋतु है, शीतकालीन ऋतु में भी 6 महीने पार्टिकुलर दिशा में ही हवाएं चलती हैं। तो शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में ये जो वाटर वाला एरिया है इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। और ये जो पठार वाला एरिया है, जमीन वाला जो एरिया है ना, यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ की पवनें ठंडी होती हैं और उच्च वायु दाब को बनाती हैं। अब जब समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है इस प्रकार से, तो फिर इसको भरने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलना चालू हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठंडी वाला जो मौसम रहता है उसके 6 महीने तक हवाएं कैसी चलेंगी, स्थल से जाती हैं ये समुद्र की ओर चलती हैं। इसको ही कहा जाता है मानसून। अब यदि हम बात कर लें न्यूज़ की, तो IMD है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम से संबंधित डेटा को पब्लिक के डोमेन में रखता है। इनका ये कहना है कि मानसून से जो रेन होगी उसका जो आउटलुक है 101% है, और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है इसमें 6% का इंक्रीज देखने को मिलेगा रेन में, ऐसा इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। इसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसमें शायद मुझे कुछ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि खुद इसको देख लें एक बार तो आप खुद समझ जाएंगे वर्तमान कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। अब कोरोना की ये हालत है, इसके बावजूद यदि पेट्रोल के दाम 100 रुपये चले जाते हैं तो आप सोच सकते हैं आपकी कंडीशन क्या होगी, हमारी कंडीशन क्या होगी। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो हाल ही में एक ऑनलाइन आप देख रहे हैं मीटिंग हुई है, इसमें ये कहा गया है ब्रिक्स हेल्प करेगा इंडिया की COVID-19 से लड़ने के लिए, ऐसा चाइना ने कहा है, ठीक है। वैसे चाइना अपने आउट साइड वाले जो कंट्रीज़ हैं एशिया के ना, उनको ऑलरेडी कोविड से लड़ने के लिए बहुत सारी हेल्प वो कर चुका है, चाहे वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे पैसा देने से रिलेटेड हो, बहुत सारी वो हेल्प कर चुका है और कई सारी बैठ के उसने किया भी है, लेकिन इंडिया को उसमें शामिल नहीं किया था उसने, एक दो बार हुई भी हैं। इस बार जब ब्रिक्स की ये मीटिंग हुई है तो इसमें चाइना ने कहा है कि हम, मतलब ब्रिक्स आपकी हेल्प करेगा कोरोना से लड़ने के लिए। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। 2009 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, इन्होंने एक इकोनॉमिक ग्रुप का निर्माण किया था, ठीक है। इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 16 तारीख को, जून का महीना 2009 में, और देश था, कौन से देश में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, रसिया के ये केट रिनबर्ग में हुआ था। फिर 15 अप्रैल 2010 में ब्राज़ीलिया में इसका एक और सम्मेलन होता है, इसमें दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता प्रदान करने की सहमति बन गई थी। अब जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसके बाद ये बन गया ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
फिर 14 अप्रैल 2011 में क्या होता है, चाइना में तीसरा सम्मेलन होता है, दक्षिण अफ्रीका को पहली बार फिर शामिल कर लेते हैं। इसके पहले वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें केवल बातचीत हुई थी कि हम साउथ अफ्रीका को शामिल करेंगे, लेकिन तीसरे सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था। और 15 से 16 जुलाई 2014 के बीच फोर्टालेजा मतलब ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा गया कि ब्रिक्स विकास बैंक की हम स्थापना करेंगे और इसका मुख्यालय बनाया जाएगा चीन के संघाई शहर में। शुरू के 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, उसके बाद ब्राज़ील और रूस 5-5 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव किया गया था। आगे कुछ कुछ मुद्दे ये भी शामिल रहे कि देखो अभी वर्तमान में कोरोना का जो समय चल रहा है तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड बातें बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही हैं। चर्चा में ऐसी रही है कि यदि फाइजर कंपनी वैक्सीन बना रही है, ठीक है, तो केवल फाइजर कंपनी ही अपनी वैक्सीन को बना पाएगी, दूसरी कंपनियां इसकी मेथड को यूज़ नहीं कर सकती। अब ये उसका इंटेलेक्चुअल अधिकार है, उसने इस पर शोध करी है, उसने इस पर खर्चा करी है, सब कुछ की है, तब जाके तो वो अपनी वैक्सीन को बनाने के लिए सफल हो पाई है। यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अभी कुछ समय के लिए यदि हम वेव कर दें, ऐसा नहीं है कि अब उस कंपनी को आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, यदि कुछ टाइम के लिए यदि हम इसको रोक देते हैं तो और अदर कंपनियां भी उस वैक्सीन को डेवलप करना चालू कर देंगी। तो इस प्रकार से किसी भी देश में वैक्सीन की कमी नहीं जाएगी, इस प्रकार की बातें भी यहां पर की गई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना की पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो अभी एक पॉलिसी की घोषणा की गई है जिसमें कपल से कहा गया है कि पहले चीन ने 2 बच्चों को अलाउ किया, सबसे पहले तो 1 बच्चे वाली पॉलिसी अपनाया था चाइना ने, इसके बाद 2 बच्चों वाली पॉलिसी अपनाया, 2 बच्चों वाली पॉलिसी इसने अपनाया क्योंकि उसकी जनसंख्या तेज़ी के साथ में गिरने लगी थी। अब 2 बच्चों वाली पॉलिसी से भी उसकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाई है। किस प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाई है, वहाँ का जो कामकाजी वर्ग है ना उसकी संख्या तेज़ी के साथ में घट रही है और जो बूढ़े लोग हैं 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी संख्या तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही है। अब आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की कैपिटल होती है, जिसको हम मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। यदि हमारे देश की जनसंख्या में यदि आप क्या नहीं जा डालते हो, प्रशिक्षण नहीं डालते हो, उसको अच्छी शिक्षा नहीं देते हो, उसको बेहतर प्रशिक्षण नहीं देते हो, तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगी, ठीक है। अब एक बच्चा जो कि 12वीं पढ़ लिया, 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ लिया, कॉलेज के बाद हो सकता है टेक्निकल कोर्स कर ले और अच्छा सा, और वो कहीं अच्छी सी जॉब पा ले, लेकिन आप उस बच्चे की कल्पना करिए जो गरीब है, स्कूल नहीं जा पाया, खेतों में काम करते रहता, दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करते रहता है। अब जितने विकल्प अच्छे पढ़े लिखे हुए लड़के के पास हैं उतने विकल्प उस लड़के के पास में नहीं होंगे, इसीलिए किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसको प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि किसी भी पॉलिसी को आप जनता के ऊपर मत थोपिए, ज़बरदस्ती मत थोपिए, नहीं तो लेकिन आप भी वही चीज़ फील करेंगे जो कि चाइना आज फील कर रहा है। चाइना अपनी चरम विकास वाली जो पोजीशन रहेगी उसकी हाईएस्ट जिसमें वो डेवलप्ड होगा, उस टाइम में उसके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं रह जाएगा, सुख भोगने के लिए आदमी ही नहीं रह जाएंगे, केवल बूढ़े लोग बच जाएंगे, तो क्या मतलब उसका ऐसा विकास। इसलिए चाइना चाहता है कि अब जनसंख्या में थोड़ा सही अनुपात आ जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें भी यही ध्यान रखना है, कुछ कुछ स्टेट में यदि आप फोर्सफुली इसको लागू करते हो कि नहीं 2 बच्चों ही वाली पॉलिसी अपनाओ, तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो चाइना के साथ में हो रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया। इसके बाद हमें न्यूज़ देखना है लक्षद्वीप से रिलेटेड, सरकार ने मतलब लक्षद्वीप का जो प्रशासन है
एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ उसने कुछ रूल्स लाए हैं। रूल्स वही हैं जैसे कि गाय का जो मांस रहता है उसकी बिक्री पर रोक, और शराब की जो बिक्री होती थी उस पर कुछ ढील दी गई है कि कुछ रेस्टोरेंट में शराबें बेची जा सकती हैं। इस प्रकार के कुछ डिसीजन हैं जो कि वहाँ के जो लोग हैं ना इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है इको सेंसिटिव एरिया के अंतर्गत आता है, पर्यावरण रूप से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और दूसरी बात यहाँ पर ये गलत है जो कि एक नेता है इनके द्वारा ये बात कही गई है कि देखो यदि आप वहाँ रहने वाले व्यक्ति की जो ज़मीन है उससे बिना सहमति के, उसकी बिना कंसेंट के, कोई जस्टिफिकेशन को दिए बिना यदि आप उसकी ज़मीन को ले ले रहे हो तो ये सही नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज में यदि हम जाएं और न्यूज़ देखें तो आज वेटिकन सिटी न्यूज़ में आई है। ठीक है, न्यूज़ में ऐसी रही है कि पोप का कहना है कि जो माइनर गर्ल्स रहती हैं उनका जो यौन उत्पीड़न किया जाता है, जो प्राइस्ट लोग रहते हैं ना, जो इस धर्म को मानने वाले रहते हैं या जो इसके उपासक हैं, इनके ख़िलाफ़ में बहुत सारी शिकायतें दर्ज होते आ रही हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स लाए हैं, कुछ नियम कानून बनाए हैं जिसमें कहा है कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, ऐसी कोई समाचार हमारे सामने आता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा आपको मिलेगी। इसके अलावा आपके पद को भी छीन लिया जाएगा, आपको ऑफिस से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस धर्म में जो 10 ईश्वरी आदेश है ना उसके अनुसार जो जो पेनाल्टी लगती है वो सारी पेनाल्टी हम आपके ऊपर लगाएंगे, ऐसा पोप का कहना है। चलते चलते लास्ट में वेटिकन सिटी का मैप देख लेते हैं। ठीक है कि ये वर्ल्ड के किस हिस्से में स्थित है, तो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना ये है यूरोप, और यूरोप में ही स्थित है वेटिकन सिटी। ये इसके यूरोप के आप कहना चाहिए जो दक्षिण वाला हिस्सा है उधर पर ये स्थित है। इसके किस दिशा में कौन सा सागर है, कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी संधि है, कौन सी खाड़ी देख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक सी पड़ता है इसके पूर्वी वाले हिस्से में, और यदि इसके साउथ की तरफ हम जाएंगे तो मेडिटेरियन सी पड़ता है, भूमध्य सागर जिसको हम बोलते हैं, और यदि आप जाओगे पश्चिम की तरफ बे ऑफ बिस्के, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इंग्लिश चैनल, ठीक है ये सारी चीज़ें हैं ये इसके पश्चिमी तरफ में स्थित है। यदि हम नॉर्थ वाली दिशा की बात करें तो नॉर्थ सी, ठीक है, और ये है बाल्टिक, नॉर्वेन सी है, अटलांटिक ओशियन है, ये सारी चीज़ें इसके नॉर्थ और पश्चिमी वाले हिस्से में स्थित है। आर्कटिक ओशियन यदि आपसे पूछा जाता है वेटिकन सिटी की किस डायरेक्शन में पड़ता है तो हम बता सकते हैं नॉर्थ वाली डायरेक्शन में पड़ता है, यूरोप के नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है। और फिर नीचे तरफ दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, और साइड में ही स्थित है इसके पूर्वी वाले हिस्से में एशिया।